मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा कांग्रेस के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेसी नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा PFI की तुलना हमारे संगठन से की गई है एवं बजरंग दल पर वेन लगाने की बात कही गई है, जिसका विरोध करते हुए आज दिनांक को स्थानीय गांधी चौक में पुतला दहन किया गया एवं राष्ट्रीय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की गई है कि ऐसे लोगों पर जांच करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए। बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से राष्ट्र के प्रति समर्पित नौजवानों का संगठन है। बजरंग दल के स्वयं सेवक हर समय सामाजिक कार्य करते रहते हैं एवं स्वयं सेवक अपनी जान की परवाह न करते हुए सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को राष्ट्र विरोधी संगठन PFI से तुलना करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने का काम किया है। जहां स्वतंत्र भारत में इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी आस्था संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए अब अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। सूत्रधार का बजरंग दल जो है संगठन हमारे हिंदू समाज का संगठन है और हिंदू समाज की एक उनसे उम्मीद है हमारे बजरंगियों से कि हमारे समाज सुरक्षित बैठा है, अगर वो हमारे बजरंगियों के माध्यम से सुरक्षित है, इसलिए हमारे समाज को हम सब अपेक्षा ऐसे संगठन के विरोध करने वालों व्यक्तियों को उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है कि हमारे हिंदू समाज पुतला दहन कांग्रेस का और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया गांधी चौक में, और ये कांग्रेस पार्टी ने 10 मई को कर्नाटक वाले विधानसभा चुनाव को अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि जिसमें राष्ट्रवादी PFI जैसे आतंकी संगठनों के साथ बजरंग दल को जोड़ा गया है, इसका विरोध बजरंग दल को कांग्रेस पार्टी के विरोध में उमरिया जिले में बजरंग दल कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से आम हूँ राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपेगा, क्योंकि बजरंग दल हमेशा से ही हिंदुओं के लिए किसी भी आपदा विपदा में हमेशा से प्रथम पंक्ति में खड़े होने वाला संगठन है। ऐसे संगठन को कांग्रेस के नेता द्वारा मल्लिकार्जुन के द्वारा एक PFI आतंकी संगठन जो है उसके साथ तुलना की गई है और बजरंग दल को आगामी चुनाव जीतने पर उसमें बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने के लिए उसका अपने घोषणा पत्र में लिखा गया है, जो कि बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले से ही पूर्व से ही आपकी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही हिंदुत्व विरोधी पार्टी रही है और ऐसी पार्टी को बिल्कुल बजरंग दल सपोर्ट नहीं करेगा और इसका विरोध करेगा और ऐसा पटकेगा ऐसी पार्टी को कि वो जीवन भर याद रखेगी। हिंदू परिषद बजरंग दल की इकाई द्वारा ज्ञापन सौंपा गया जो उचित माध्यम से शासन की ओर पेश किया गया। हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में ज्ञापन सौंपा गया, इसको भी SDM साहब ने लिया है, इसको महामहिम राज्यपाल।